परम 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 मां शांति है। अभी दुनिया पूरी की तरह बदलने वाली है। बेहद की आत्माएं, माना हाई क्वालिटी आत्माएं, आत्मस्वरूप में स्थित होकर परम शांति के वाइब्रेशन फैलाकर नेगेटिव जो वायुमंडल है उनको बदल के परम शांति के वाइब्रेशन भर के लोगों को परम शांति टच कराएंगी, तो जो स्थूल वतन या सूक्ष्म वतन में जो भी नेगेटिविटी फैली हुई है वो धीरे धीरे परिवर्तन हो जाएगी। ये बेहद का कार्य, परम 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 महाविश्व परिवर्तन का कार्य अभी शुरू हो चुका है। बेहद का विश्व परिवर्तन का कार्य, बेहद की आत्माएं, माना हाई क्वालिटी आत्माएं, बेहद का परम ज्ञान लेकर आत्मस्वरूप में स्थित होकर परम शांति के वाइब्रेशन फैलाकर चारों ओर पूरे ब्रह्मांड में परम शांति फैलाएंगे। आत्मस्वरूप में स्थित होकर परम शांति के वाइब्रेशन फैलाने से जो चारों ओर नेगेटिव वाइब्रेशन है वो धीरे 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 नेगेटिव से पॉजिटिव होते जाएंगे। सभी आत्माओं को परम शांति के वाइब्रेशन टच होंगे, चाहे मनुष्य हो, सूक्ष्म जगत की आत्माएं हो, भूत प्रेत हो, चाहे ऊपर बैठी हुई ब्रह्मांड में बैठी हुई सात लोकों में, माना सात डायमेंशन में बैठी हुई आत्माएं हो, चाहे गैलेक्सी में बैठी हुई आत्माएं हो, गैलेक्सी माना अनंत कोटि ब्रह्मांड जिसमें है, चाहे यूनिवर्स में हो चाहे मल्टीवर्स, चारों ओर परम शांति के वाइब्रेशन जाएंगे और धीरे 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 जो नेगेटिव पूरे मल्टीवर्स में जो नेगेटिव हैं वो धीरे धीरे, क्योंकि हर जगह आत्माएं बैठी हैं, हर सोलर सिस्टम माना ब्रह्मांड, गैलेक्सी माना महाब्रह्मांड, यूनिवर्स माना परम महाब्रह्मांड, मल्टीवर्स तो 100 कला का ब्रह्मांड है, इसी तरह बेहद की कला के ब्रह्मांड है, बेहद की कला का ब्रह्मांड का ज्ञान बेहद की आत्माओं के पास है, और बेहद की आत्माओं को अपनी ड्यूटी का पता है कि हमें बेहद का विश्व परिवर्तन करना है, उनकी ड्यूटी है। बेहद की आत्माओं मुट्ठी भर ही हैं, बहुत कम है, मगर उसका एक छोटा सा संगठन गुप्त वेश में तैयार हो रहा है, और अभी परम शांति के वाइब्रेशन धीरे धीरे फैल रहे हैं। जैसे जैसे बेहद की आत्माएं, हाई क्वालिटी आत्माएं जुड़ती जाएगी, नंबरवार जुड़ती जाएगी, 108 से 1008, 16,000 तक या 9 लाख तक जुड़ती जाएगी, या 33 कोटि देवी देवता वाली भी धीरे 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 करके जुड़ जाएगी, तो वो संगठन बड़ा होके सब आत्मा स्वरूप बन के आत्मा की शक्ति को, आत्मा के अंदर परम लाइट है, बेहद की कला की पावर है, बेहद की आत्माओं में बेहद की कला की पावर, और वो परम ज्ञान सुनकर, पहले परम ज्ञान सुनेंगे, पहला सब्जेक्ट है ज्ञान, ज्ञान ज्ञान सागर में डूबेंगे, ज्ञान सागर में विचार सागर मंथन करेंगे, दिन रात ज्ञान सुनेंगे, और ज्ञान से योग करेंगे, योग मना ऑलमाइटी ऑथोरिटी से आत्मा स्वरूप में स्थित होकर कनेक्शन होकर अपनी ड्यूटी समझना कि तुम धरती पर क्यों आए हो। तो बेहद की आत्माएं धरती पर आई है विश्व परिवर्तन करने के लिए, महाविश्व परिवर्तन करने के लिए, तो चारों ओर परम शांति के वाइब्रेशन फैलेंगे। परम शांति के वाइब्रेशन से चारों ओर सभी आत्माओं को, जानवरों की भी आत्मा हो, पशु पक्षी की भी आत्मा हो, जो भी हैं, सभी आत्माओं को परम शांति के वाइब्रेशन मिलेंगे, वो शांत हो जाएगी, और धीरे 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 परम लाइट उतारेंगे। बेहद की आत्माएं परम लाइट, अपनी ओन आत्मा की पावर जगाएंगे, अपनी ओन आत्मा में इतनी पावर है, बेहद की कला की पावर है बेहद की आत्माओं में, और वो आत्मस्वरूप बन के, फरिश्ता बन के सभी को परम लाइट देंगे, और धीरे धीरे तत्व परिवर्तन होगा। पांच तत्व जो है वो धीरे धीरे परम तत्वों में परिवर्तन होगा, परम लाइट परम परम धीरे धीरे परम लाइट में परिवर्तन होगा, परम तत्वों से परम लाइट में परिवर्तन होगा। तो पांच तत्व धीरे धीरे सब एक साथ में धीरे धीरे परिवर्तन हो जाएगा।
मनुष्य का शरीर, सभी आत्माओं को आत्मा में पावर मिलेगी, सभी आत्माओं को, चाहे कोई भी आत्मा हो, चाहे स्थूल वतन में हो चाहे सूक्ष्म वतन में हो, सभी आत्माओं को परम लाइट मिलेगी। तो परम लाइट से धीरे धीरे पांच तत्व, तीन तत्व, स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, पहले परम तत्वों में कन्वर्ट होगी, परम वायु, परम अग्नि, परम आकाश, फिर धीरे धीरे परम तत्वों से परम लाइट में कन्वर्ट होगी और सबको परम शांति मिलेगी। और जो जहाँ जहाँ भी पूरे मल्टीवर्स में जहाँ जहाँ भी मृत्युलोक है, जहाँ जहाँ भी सोलर सिस्टम है वहाँ मृत्युलोक है। एक ब्रह्मांड में निराकारी दुनिया है, आकारी दुनिया और साकारी दुनिया है, तीन दुनिया है, त्रिलोक, तीनों प्रकार के दुनिया, सब बदल जाएगी, सबको परम शांति मिलेगी, सब परम शांत हो जाएंगे और अंत में धीरे धीरे सभी आत्माओं को लास्ट में मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलेगी। जो लोअर कैटेगरी की आत्मा है उनको मुक्ति मिलेगी और हाई क्वालिटी आत्मा है उनको जीवन मुक्ति मिलेगी और पूरा का पूरा मल्टीवर्स अविनाशी अमर लोक बनेगा। अविनाशी अमर लोक माना परम लाइट का बनेगा और आगे चलकर जो जीवन मुक्त में रहने वाली आत्मा है वो हमेशा के लिए अमर बन जाएगी, अविनाशी अमर बन जाएगी। कभी भी अब पांच तत्वों की दुनिया पूरे मल्टीवर्स में जहाँ जहाँ भी सोलर सिस्टम में मृत्युलोक है वो सब अमर लोक बन जाएंगे, वो भी अविनाशी अमर लोक बनेगा। कभी भी धरती नहीं बनेगी, मिट्टी नहीं बनेगी, पांच तत्वों की दुनिया नहीं होगी, परम लाइट की दुनिया होगी, अविनाशी अमर लोक होगा, सभी को परम सुख मिलेगा, परम शांति होगा, परम सुख की दुनिया होगी। तो ये बेहद का परम ज्ञान सुनकर बेहद की आत्माएं ज्ञान से योग लगाएगी, आत्मस्वरूप का अनुभव करेगी, फरिश्ता स्वरूप बनेगी और सभी को परिवर्तन करेगी। तो बेहद का ज्ञान समझने के लिए वो ऑलमाइटी ऑथोरिटी ही केवल बेहद के विश्व का क्रिएटर है, तो वो बेहद के विश्व का आदि मध्यंत का ज्ञान देगा और वो बेहद का आदि मध्यंत का ज्ञान कहीं भी नहीं मिलेगा। परम ज्ञान न लिखा गया किताबों में, हमारे वेदों शास्त्रों में जो लिखा है वो केवल एक ब्रह्मांड का ज्ञान है, एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर का ज्ञान है। एक ब्रह्मांड माना एक सोलर सिस्टम, अनंत कोटि ब्रह्मांड माना गैलेक्सी, और ये सब ज्ञान जानेंगे, शिव महाशिव परमाशिव का डिफरेंस जानेंगे, विष्णु महाविष्णु परमा विष्णु का डिफरेंस जानेंगे, ज्ञान सागर में डूबेंगे। तो धीरे धीरे करके ये पूरी सृष्टि में परिवर्तन जो करेंगे बेहद की आत्माएं, उनका भाग्य बेहद का भाग्य बनेगा, बेहद का अविनाशी भाग्य बनेगा। और जो आत्माएं बेहद का अविनाशी भाग्य बना रही हैं अभी और आगे चलकर धीरे धीरे जुड़ती जाएगी, 108,000 8,16,000 तक जुड़ेगी, शायद 9 लाख भी जुड़ जाए, फिर अंत में तो सब जुड़ेंगे, 33 कोटि देवता भी जुड़ेंगे और धीरे धीरे विश्व परिवर्तन अविनाशी अमर लोक बन जाएगा। कभी भी फिर ये जो अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय, ऐसी दुनिया नहीं बनेगी, कभी प्रलय होगा ही नहीं, दूसरे मल्टीवर्स में ऐसी दुनिया नहीं है, वहाँ अविनाशी अमर लोक है, वहाँ परम तत्वों की दुनिया, परम लाइट की दुनिया है, तो ऐसी बनेगी, केवल हमारे मल्टीवर्स में ही ऐसा है। इसलिए ज्ञान से योग, ज्ञान योग, संकल्पों से सेवा और जीवन में धारणा, ये नई दुनिया बदलने के लिए बेहद के ब्राह्मण बनेंगे। भक्ति मार्ग में कहते हैं ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण। अभी जो सभी कल्कि अवतार की बात कर रहे हैं ना, सुप्रीम कल्कि अवतार पर हमारा वीडियो भी है, सुप्रीम कल्कि अवतार माना ऑलमाइटी ऑथोरिटी, उनका मन सफेद घोड़ा जैसे होगा, सफेद मन रूपी घोड़ा पर सवारी करके परम ज्ञान, परम ज्ञान माना सफेद ज्ञान से सफेद काम करेंगी, माना सभी को परम सुख देने का, परम शांति देने का काम करेंगी, ज्ञान रूपी तलवार से सभी की बुद्धियों को बदलेंगे, परम शांति के वाइब्रेशन फैलाएंगे, सबकी बुद्धि को शांत करेंगे, सभी की बुद्धियों को परम शांति का अनुभव कराएंगे। ये भगवान कल्कि का काम है, वो सुप्रीम है, सुप्रीम कल्कि अवतार। तो ये अलग अलग वीडियो हैं, उसमें सब ज्ञान दिया हुआ है, इसलिए बेहद का परम ज्ञान सुनिए, बेहद का परम ज्ञान से आत्मस्वरूप की अनुभूति कीजिए, मैं कौन हूँ स्वयं को जानिए, आत्मस्वरूप की अनुभूति करके परम शांति का वाइब्रेशन फैलाइए,
तो संकल्पों में शक्ति आएगी, और संकल्पों में शक्ति आएगी तो जो हमारा लक्ष्य है महाविश्व परिवर्तन करने का, परम 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 महाविश्व परिवर्तन करने का, ये लक्ष्य पूरा हो जाएगा और सारा विश्व को हम बदल पाएंगे, परम शांति दे पाएंगे, विश्व परिवर्तन हो जाएगा। और जो बेहद की आत्माएं हैं वो बेहद की कला के ब्रह्मांड तक पहुंच जाएगी, बेहद की आत्माएं बेहद की कला के ब्रह्मांड तक पहुंचेगी, बेहद की कला के परमधाम पहुंचेंगी, 33 कोटि देवताएं अपने अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे, जो भी आत्माएं हैं वो अपनी अपनी रचियता के पास पहुंच जाएंगी, अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग आत्माएं हैं, हल्की कैटेगरी की मुक्त हो जाएंगी। ये सब भविष्य में बेहद की आत्मा करने वाली हैं, अभी थोड़े समय से ही कार्य शुरू हो गया है, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और सब महापरिवर्तन हो जाएगा। बेहद की आत्मा हो या 33 कोटि देवी देवता वाली आत्मा हो, कोई भी हो, सभी अलग अलग धर्मों में भी कन्वर्ट हो गई हैं। इसलिए मैं खास ये बताना चाहता था कि जो ये हाई क्वालिटी आत्मा है, बेहद की आत्माएं भी अलग अलग धर्मों में कन्वर्ट होकर क्यों चली गई, तो सूक्ष्म जगत में भी जब अलग अलग धर्मों की आत्माएं दूर दूर से अलग अलग सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आई, तब आत्माएं सूक्ष्म तन में भी एक दूसरे के कनेक्शन में आई, और धीरे धीरे जब स्थूल तन में वो सब आते गए आते गए आते गए, तो स्थूल तन में भी एक दूसरे के कनेक्शन में आकर, एक दूसरों से कर्म बंधन में आकर ये सभी आत्माएं मिक्स हो गई। अलग अलग धर्म की आत्माएं भी अलग अलग धर्मों में, अलग अलग धर्म मठ पंच संप्रदाय में चले गए। इसलिए कर्म बंधन से, चाहे सूक्ष्म कर्म बंधन हो चाहे स्थूल कर्म बंधन हो, वो सभी कर्म बंधन के कारण वो आत्माएं सभी जगह व्याप्त हो गई, सभी जगह चली गई, एक दूसरे में डाइवर्ट हो गई। अभी कोई, और अभी आत्माओं पर इतना आवरण लगा है, 5 तत्वों का आवरण है, कि आत्माएं अपने आप को पहचान ही नहीं पा रही हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ। इसलिए सभी चारों ओर दुनिया का वायुमंडल नेगेटिव बना हुआ है, चारों ओर नेगेटिव सोच, नेगेटिव वायुमंडल बना रही हैं, सबकी नेगेटिव सोच अब परिवर्तन होने वाली है, और सब अपने अपने आप को जानेंगे, आत्मस्वरूप का अनुभव करेंगे, ज्ञान से योग आएगा। पहला सब्जेक्ट है ज्ञान, ज्ञान से योग आएगा और आत्मस्वरूप बनकर सभी आत्माएं अपने अपने आप को जानेंगी और अपने अपने रचियता के पास जाएंगी और अंत में मुक्ति, जीवन मुक्ति पाएगी, परम शांति।